पुणात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में ये स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमेश्वर अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है और वो हमारे सभी संकटों का मर्दन करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ निवास करता है, एक देश ये है और वहाँ से पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वो परमात्मा राजा की तरह देखने योग्य है, यानी सबका मालिक रूप में, राजा माने मालिक, सबके मालिक रूप में दर्शनीय है, देखने योग्य साकार है। तो वो परमात्मा अपने मुक्ति धाम से, सतलोक से चलकर आता है, अमरलोक से, सनातन परम धाम से और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, फिर वो संतजन भक्त, अच्छी दृढ़ दृढ़ भक्त परमात्मा की महिमा आगे फिर ढोल के डंके पर कहते हैं, वो आँखों देख लेते हैं परमात्मा को। जिनको भगवान मिले, जिन अच्छी आत्मा को, आत्माओं को परमात्मा मिलते हैं, मिले हैं, उनमें से अब कलयुग के अंदर जो दास को अनुभव पता है, ज्ञान है, उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमेश्वर कबीर जी के समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इनको भी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म व अकाल मूर्त सतपुरुष मिले और श्री नानक साहिब जी भी परमेश्वर कबीर जी के दानक कबीर, जुलाहा कबीर काशी में जब आए थे दाता, उनके समकालीन थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ में, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में। तो पुण्यात्माओं, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। जब तक आप जी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाओगे, तब तक आप भक्ति ना कर सकते, ना मोक्ष प्राप्ति कर सकते। कारण क्या होगा कि आपको कोई भी सिर फिरा आकर के भ्रमित कर सकता है और कह सकता है कि ये कहीं प्रमाण नहीं, जो जाप तुम करते हो, भक्ति करते हो या कबीर को भगवान बताते हो, परमेश्वर कबीर जी को। उसके लिए पहले आपको ऋग्वेद के कुछ प्रमाण देते हैं, उसके बाद फिर ये दिखाते हैं, बताते हैं किन किन को परमात्मा मिले हैं। जब सदग्रंथ यही प्रमाण दे रहे हैं, आँखों देखा जिनको भगवान मिले वो फिर यही प्रमाण कर रहे हैं कि वो कबीर इज गॉड। वो आँखों देखा जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले, जिन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को भगवान परमेश्वर आकर मिले, उन्होंने अपनी वाणी में गवाही दे रखी, एफिडेविट दे रखे, कबीर इज गॉड। वो दानक कबीर, जुल्हा कबीर, ये समर्थ शक्ति है, परम शक्ति है, सबका मालिक है और उसको हमने आँखों देखा, सतलोक को देखा, उस परम धाम को देखा, सनातन परम धाम को देखा, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो साधना करके जाते हैं। और वेद बता रहे हैं और फिर आँखों देखा संत बता रहे हैं, तो फिर कौन सी त्रुटि रह जाएगी कि भगवान कबीर कबीर भगवान नहीं है? तो आपको दृढ़ हो जाएगा, फिर आप भक्ति करोगे निरसंशय होकर। जब तक संशय नहीं जाएगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, माँ मुंडू उस संत की जिसते संशय ना जावे। कहने का भाव यह है कि इसे संत ने तुरंत त्याग दे, बाढ़ में जावे वो गुरु जिसते शंका का समाधान ना हो। और जिन संतों के पास आप सेट हुए बैठे हो, उनको तो कख का ज्ञान नहीं,
आगे आपको कुछ ज्ञान दिया, नहीं तो शंका कहाँ से हो आपको? आप तो श्रद्धा से बैठे हो। रेही कहते हैं, बारू बुरा जान चाटत है रेही। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, तुमने बुरा यानी चीनी समझ कर और तुम रेही चाट रहे हो, नमक चाट रहे हो। तो सभी नमक ही चाट रहे हैं और कह रहे हैं बुरा, तो सबको शंका किसने होगी? शंका जब होगी जब बुरा दूसरी हथेली पर रखी जाएगी, चाट के देख बुरा कैसी होती है। तो अब ये दास दोनों दिखा रहा है, एक हाथ पर बुरा एक हाथ पर नमक, कि ये तो इन संतों का ज्ञान, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और उन महापुरुषों का एफिडेविट, उनके प्रमाण जिनको भगवान मिले, ये बुरा है और ये नमक है जो तुम खा रहे हो, तो बुरा जानकर खा रहे हो। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान का नया स्कूल खुला है और अब आप जी को इसमें प्रवेश मिल गया। आप पहले की का इतिहास देखो, पहले सात सात दिन तक भागवत की कथा करा करते, सात दिन लगातार, और श्रद्धालु गुबने बैठे रहा करते आँख मीच के, सातों दिन एक से एक बढ़कर सब काम छोड़ के, और एक एक महीने तक सत्यनारायण की कथा कर दिया करते थे, खुला खोल दिया, खंड खोल दी, और सब श्रोता सुनते रहते थे। और आखिर में क्या था ना, सत्यनारायण का पता उनको, सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। अब ये विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते, ये तो नाशवान अविनाशी है ही नहीं है। तो ये भ्रमित था, ये बुरा जानकर रेही चाट रहे थे। तो इसीलिए आप जी ने ये ज्ञान नए सिरे से बहुत बार सुनना पड़ेगा, इस दास के लेक्चर सुनने पड़ेंगे और बड़े ध्यान से सुने, इन काना पकड़ नहीं टाले, क्योंकि ये वो अमृत ज्ञान है जो आज तक हम भटक रहे थे और कभी सपने में भी ना इसका ज्ञान हुआ, झलक भी ना थी, काल ने तो इसकी हवा भी ना आने दी। जैसे कहीं हलवा बनता हो उसकी थोड़ी बहुत महक आ जाए तो भी आदमी चौकन्ना हो भाई कहाँ से बने है ये। तो इसने तो सारा कबाड़ बरवा रखा था पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ जावें एक जैसी वाणी, एक जैसी भाषा और एक जैसे वही विचार। तो फिर संशय कहाँ से, संशय ईब होएंगे नरे, जब इस दास के ज्ञान को सुनोगे, कबीर भगवान के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को सुनोगे, नरे शंकाएं शंका उत्पन्न होंगी, क्योंकि पहले अज्ञान भर रखा अपने अंदर। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं ये तो कुआ बांग पड़ी। अब जैसे किसी शराब के ठेके पाप श्याम के टाइम कभी सूत बैठे देखोगे ना, शराब पी के उसमें से एक निकला वह भी नियो करता होगा, दूसरा निकला वह भी नियो करता होगा, तीसरा निकला वह भी नियो, चौथा भी, चाहे दस निकलो उसमें थे, उस बार में थे सारे बोलने बोली, लड़खड़ा के बोलना, लंगड़ा के जो सारा हिलचल के चलना, तो उनकी एक जैसी बोली एक जैसी गतिविधि। तो परमात्मा कहते हैं, इस काल भगवान ने इस अज्ञान रूपी भांग या अज्ञान रूपी भांग पूरे इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में बिना तोल मोल के ठोक दी, और इस ज्ञान को, इस भांग को पी कर सारे एक का बोली बोल रहे हैं, एक जैसी क्रियाएं सबकी। अब यह भांग उतारी जाएगी एंटीबायोटिक दवाई देकर, ये एंटीबायोटिक है ये प्रवचन परमात्मा की अमृतवाणी के, ये आपके अंदर से इस भांग के नशे को उतारेंगे। उसके लिए ये कैप्सूल आपको खिलाए जा रहे हैं, सदग्रंथ वेदों को आप खुद पढ़ सकते हो, इन मूर्ख बना रखा था हमारे को, इनको कह कह का भी नहीं पता था वेद क्या बताते हैं। वेद बता रहे हैं परमात्मा साकार है, एक देशीय है, सतलोक अमरलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और ये डंडोरा पीटा करते हैं परमात्मा तो निराकार है, वो देखा नहीं जा सकता, वो तो कणकण में व्यापक है बस, और वेदों का नाम लिया करते, वेदों में ऐसा ही लिखा है। तो हमने सच्चा मान लिया क्योंकि वो संस्कृत भाषा जानते थे, हम संस्कृत जानते नहीं थे, हमने सोचा इन्होंने अच्छी तरह पढ़ा होगा, ये विद्वान महर्षि हैं और इन्होंने सही ज्ञान दिया होगा। वेद क्या बता रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा बता रहे थे हमारे इसको। अब देखिएगा कि वो परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आते हैं, ये ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेद है, इसके मंडल 9 को हम पढ़ेंगे, 9-10 मंडल इसमें इकट्ठे ही अनुवाद करके रखे हैं,
ये कहाँ से छपा है, कौन इसका अनुवादक है। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसमें इन्होंने लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये अनुवाद इसके द्वारा इन्होंने लिखा, गलत है ये वैसे, कि महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया। अब महर्षि दानंद अनुवाद करता इसका और बठा बठा देता है, इसमें इतनी भी बात समझ में ना आती हमारे को, ये किसी और ने किया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये किसने किया है ये थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर दें। ये अनुवाद जो है महर्षि दानंद का नहीं है, 9 और 10 मंडल का ऋग्वेद का। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1 से 6 का तो महर्षि दानंद ने अनुवाद किया था, फिर इसकी मृत्यु होगी, उसके बाद शेष जो 7, 8, 9, 10 इन 4 मंडलों का किसी और आर्य समाज के ही किसी आचार्य ने किया है, और परमात्मा ने सद्बुद्धि दी उसको, उसने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, तो ताकि आज हम उसको अच्छी तरह समझ सके। ये यदि ये दास इन वेदों का अनुवाद आपको करके दे दे, कोई नहीं पढ़ रहा है, कह रामपाल ने संस्कृत ना आती, ऊट पटांग अनुवाद कर दिया। और महर्षि दानंद तो बड़ी वेदों के ज्ञाता थे, बड़े विद्वान पुरुष थे, संस्कृत के व्याकरण के सूर्य थे। व्याकरण के तो सूर्य हो सके, पर अध्यात्म ज्ञान के तो 0 थे वह, व्याकरण के था। एक भाषा में व्याकरण किसी तरह से, इंग्लिश की ग्रामर अलग है, वो तो इंग्लिश में महर्षि दानंद फेल था, तो क्या कहा महर्षि वह, फिर वो महर्षि का एक संस्कृत के जानने मात्र से हो जाता है। वेदों के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति महर्षि होता है, वो परम संत होता है। तो इसमें देखिएगा ऋग्वेद भाष्यम, अब इसमें भाष्यकार कौन है, महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6 बस। उसके पास श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल ने 7 से 10 तक इसने किए। ये महर्षि दानंद ने केवल ऋग्वेद मंडल नंबर 1 से 6 तक अनुवाद किया है, और इन्होंने यहाँ गलत कर रखा है। ये कहाँ से छपा ये दिखाता हूँ आपको। ये महर्षि दानंद को तो नाम साथ लेते थे कि इसका नाम तो रोटी खा रहे थे सारे। संपादक हैं दानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत ये है 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली, इतने से यहाँ से छपा है। इनके मुद्रक हैं यो कंपू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली, दूरभाष इतने हैं। अब इसने सही लिखा है, इसका सच्चाई बताई है। अब हम फिर लेते हैं इस आर्य समाज के द्वारा अनुवादित वही ऋग्वेद, जिसमें इन्होंने महर्षि दानंद का नाम लिख दिया, 9 और 10 मंडल इनके महर्षि दानंद ने अनुवाद किया। क्योंकि जिस वेद पर महर्षि दानंद का नाम लिखा हुआ था अनुवादक के रूप में, तो उसको तुरंत खरीद लिया करते थे, और किसी और का नाम ये ऊपर लिख देते तो कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि इन तो रोजी रोटी चाहिए थी अपनी। और दानंद जी को वेदों का क्या अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, वो तो -0 था। और इसके साथ साथ आपको सारा प्रमाण दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ब्राह्मण और सारे मंडलेश्वरों का झाड़ा दे दिया कबीर भगवान ने, वो कैसे थे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, ये श्रीपाद सातवलेकर आदि अन्य संतों ऋषियों ने किया है, उन विद्वानों ने ये यहाँ लिख दिया ना, मैं ऋषि दानंद सरस्वती, ये लिखे पास ये तुरंत बिक गया था, इसलिए इसका नाम लिखना अनिवार्य हो गया था। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर, ईमेल आदि। यहाँ इन्होंने ये गलत लिखा है, आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत नहीं, ये किसी अन्य ने किया है, मुद्र किए हैं। अब हम आते हैं अपने काम की चीज पर।
अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26, आह ये देखिएगा। ये तो संस्कृत है, मूल संस्कृत, मूल पाठ समझो इसका। इसमें यु कवि रचो ये सब लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ हम इनके द्वारा अनुवाद पढ़ते हैं। ये किसी और ने किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत ठीक किया है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, भक्ति करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी सब संकटों को मर्दन करता है, उनके सब रास्ते खोल देता है और उनके सब जो है ना दुखों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर देव, ये कबीर देव यहाँ देखना ध्यान से, ये इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर कबीर है ये शब्द, कबीर कहो कवि ही कहो, जैसे यहाँ ये कबीर शब्द है कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे कबीर अपनी भाषा में, इसका इन्होंने संधि छेद करते समय दो अपसर्ग लगा दी और इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे यजुर्वेद की कहीं महिमा गाई गई हो और वो यजु लिखा हुआ हो केवल, तो अनुवादकर्ता ने वहाँ लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, यदि यजु का अर्थ कर दे तो कैसे समझेंगे किसके विषय में जानकारी है, अभी दिखाते हैं आपको। यह पूरा का पूरा महर्षि दानंद द्वारा ही अनुवादित है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये है यजुर्वेद आर्य भाषा भाषे यानी अनुवाद संपूर्ण 40 अध्याय 40 के 40 महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इसी ने ही सही किए, ये ठीक लिखा है, और इसके मुद्रक भी वही हैं। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें 36वें अध्याय का ये प्रथम मंत्र है और इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु, ये यजु शब्द है इसमें, ये यजुर्वेद की महिमा है। अब जैसे कवि लिखा है उन्होंने, कवि का दो अपसर्ग लगा दी तो वहां तो उन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, इस यजु को इन्होंने ठीक अनुवाद किया, यहां अनुवाद है इसका देखिएगा, यहाँ यजु शब्द है, इन्होंने यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ पर यजु का अर्थ लिख दे कि कोई साधनाएं, यजु का अर्थ होता है परमात्मा की साधना की जानकारी, तो वो किस में है, इस यजुर्वेद में है वह, तो इसका अर्थ कर दे यजुर का कि परमात्मा के पाने की विधियां साधनाएं की जानकारी यहाँ लिख दे, तो वो कहाँ है, यजुर्वेद नहीं लिखेंगे तो इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ किसकी महिमा गाई जा रही है, तो यहाँ यजुर्वेद ठीक लिखा है इन्होंने। इसी प्रकार जहाँ कवि शब्द है, कबीर है, कवि ही या कबीर, तो उसको हमने लिखना पड़ेगा वह कबीर देव है, ही इज कबीर देव, वो कबीर देव की महिमा गाई जा रही है, कबीर साहब, उसको कबीर साहब कहने लगे। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद में, पवित्र ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में, अब फिर आराम से कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा कि वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहेंगे, हम वह बोलते हैं वह को। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 अभी आपको दिखाया था, ये इस दानंद के द्वारा नहीं है, किसी अन्य के द्वारा है, और ये प्रकाशित कहाँ से है ये, अब हम इसको देख रहे हैं
ऋग्वेद को, यजुर्वेद में से केवल एक प्रमाण लिया था मैं, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26, हम पुनः फिर पढ़ेंगे। ये कबीर शब्द लिखा है इसमें, पदार्थ यानी अर्थ क्या, शब्दार्थ है ये। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने भक्ति, धार्मिक क्रियाओं करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा है, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सभी संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता है, उनके पाप नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिखना था, यहाँ इन्होंने कबीर देव लिखना था, वह कबीर साहब है, सर्वज्ञ नहीं लिखना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब इसके साथ साथ हम दिखाते हैं आपको, ये देखो यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का ही 85 सूक्त है और इसमें मंत्र नंबर 9, इसमें इन्होंने ये भी कवि शब्द आई देखो, और इसका इन्होंने अनुवाद स्वयं किया है, वह है कवि कार्स लिख दिया, या लिखना था कबीर देव, कविकार लिख दिया सर्वज्ञ परमात्मा, या लिखना था वो कबीर परमात्मा, या लिखना था वो कबीर परमात्मा कबीर देव, धूलोक के प्रकाशक नक्षत्रों को प्रकाश करता है वह परमात्मा यानी कबीर देव, विविध पदार्थों का दृष्टा है, बल वाला है यानी शक्तिशाली है, अमितौजा है, धूलोक को आश्रित करके स्थिर है यानी धूलोक में रहता है, धूलोक में रहता है, तीसरे लोक में रहता है। अब हम फिर यहीं आ रहे हैं, हम अब फिर पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आपने पढ़ लिया, क्रीड़ा करता हुआ अच्छी आत्माओं को श्रेष्ठ कबीर परमात्मा, वर्णीय पुरुष को यानी वर माने श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, और वो उद्देश्य क्या होता है, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, अब 27 में जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को यानी वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा को बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के धू माने तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है, एक देशीय है, प्रकाश रूप है। अब आप दिखाते हो परमात्मा कैसा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 और यहाँ पर है ये एक मंत्र, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, पाप नाशक है, अरे ये कहें पाप नाश हो नहीं सकते, इन कहना पेरा था दानंद ने वेदों के बारे में, और वो राजा के समान राजेव, यहाँ देखना ये 269 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, अब 270 पृष्ठ पे देखते हैं, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, साकार है वो परमात्मा, राजा के मनुष्य के समान है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को अच्छे आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ पाप रहित करता है और प्राप्त होता है, उसको मिलता है, कैसे मिलता है, जिस प्रकार विद्युत बिजली आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है पुणात्मा, जैसे आकाश से बिजली गिरती है
वो किसी विशेष धातु पर गिरती है। पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारी दादी माताएं कहा करती थी कि वर्षा के समय में पहले कांसी धातु थी, कांसी, उसके थाली, बेले, गिलास वो होया करते थे। तो कहा करते थे कि इनको घर के अंदर रख दो, बाहर ना छोड़ो, कांसी धातु के ऊपर अमूमन बिजली गिर जाती है, उसका उस पर लिंक है, उसका अट्रैक्शन है। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है और बिजली जैसी गति से, यानी बहुत तेज स्पीड से आता है, तेजी से आता है स्पीड से, और उन सने वाली आत्माओं को जैसे बिजली उसी धातु पर ही विशेष गिरती है, अन्य कंकर पत्थर पर नहीं, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को ही आकर मिलता है उस बिजली की तरह, उनको आधार बनाकर आता है, उनको फिर ज्ञान देता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो फिर सारा संसार एक तरफ और वो भक्त एक तरफ, वो किसी की नहीं सुनते। जैसे मीराबाई जी थी, परमात्मा मिले उनको फिर बाद में, तो अदृढ़ होगी, किसी की नहीं सुनी। ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी थे, वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तब जब उनको ये ज्ञान हुआ, परमात्मा आकर मिले, सचखंड सतलोक लेकर गए, उसके बाद वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। उसके बाद वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा हिंदू समाज एक तरफ और नानक साहिब जी एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्त, ऐसे गरीबदास जी महाराज को परमात्मा मिले। अभी जो भूमिका दास बना रहा है उसके लिए तैयारी हो रही है कि किन किन महापुरुषों को कैसे मिले, और वो ऐसे मिलते हैं जैसे बिजली आकर के उन्हीं स्थानों पर उसी धातु को ही अट्रैक्ट, आधार बना कर आती है। ऐसे परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को ही आकर मिलते हैं, जो फिर उनकी महिमा को आगे ढोल के डंके पर कहते हैं, किसी की सुनते नहीं। अब आपने देखा, पढ़ लिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। इसमें यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो परमात्मा दर्शनीय है, राजा के समान यानी मनुष्य की तरह साकार है, देखने जोगा है, पाप नाश करता है, और वो अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को आकर के मिलता है। वो उद्देश्य क्या रखता है ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82। इसका एक तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा हम पढ़ेंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली चलती है बहुत तेज, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ आप ऐसे आ जाते हो, कोई उपद्रव काल ना करवा दे धार्मिक अनुष्ठानों में। आप कबीर देव हैं, इन सर्वज्ञ लिख दिया अनाड़िया ने, कोई कवि होया सर्वज्ञ आज तक? आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, आप अल्लाह अकबर हैं। कुरान शरीफ में उन्हें अल्लाह अकबरु खबीरन खबीरा कबीरन कबीरा लिखा है, वेदों में उसे कवि कबीर लिखा है। ये देखो इसमें, इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर वेदस्य, कबीर युरा ऊपर लगा है, कबीर वेदस्य। तो कबीर देव है, हम उसको कबीर देव कहने लगे। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, और शुद्ध हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, यानी पाप नाश करके हे अमर परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। अब जो परमात्मा की लीला है, परमात्मा की महिमा है, वो परमेश्वर में क्या गुण है, वो कैसी लीलाएं करते हैं, ये वेद बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। अब ये लीला किसने की?
कबीर देव ने, वो कबीर देव कबीर साहेब गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में, आदरणीय गरीबदास साहेब जी नाम के एक वो श्रेष्ठ आत्मा वर्णीय पुरुष का वहाँ जन्म हुआ। गरीबदास साहेब जी किसान परिवार में यानी जाट कौम के अंदर उनका जन्म। गरीबदास साहेब जी का मूल गांव जो था करौथा था, गांव करौथा जहां अपना आश्रम है, उस करौथा गांव के वो मूल निवासी थे और गांव छुड़ानी में उनके नानके थे। गरीबदास साहेब जी की माता के कोई भाई नहीं था, यानी उनके मामा जी नहीं थे गरीबदास जी के, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम धनखड़ को वहाँ घर जमाई रूप में रखा गया था। जमीन बहुत थी, गरीबदास जी के नाना जी के यहाँ जमीन बहुत थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। सन 1717 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ छुड़ानी में अपने नाना के घर पे, क्योंकि वो सब वहीं रहा करते थे। 10 वर्ष के जब हो गए गरीबदास साहिब जी, उस समय वो अपने गौओं के चराने के लिए अपने ही खेतों में जंगलों में जाया करते थे। 100-150 गायें उनके नाना जी यानी पिताजी रखा करते थे, क्योंकि नाना जी के घर रहते थे उनके पिताजी। और गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, वो भी पाली ग्वाले होकर गौ चराने जाते थे खेतों में जंगलों में। साथ में और भी बहुत से ग्वाले होते थे, कोई किराए पर जैसे कोई नौकर होते थे उनके, कुछ वैसे अन्य गाँव के भी उनके खेतों में पशुओं चराने के लिए ले जाते थे। तो 10-12 की संख्या में वहाँ ग्वाले साथ थे। सन 1727 में फाल्गुन सुदी फाल्गुन उत्तरते की यानी द्वादशी के दिन, फाल्गुन उत्तरते की यानी सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे 11 बजे 12 बजे के आसपास, जब वो सभी अपने खेतों में गायें चरा रहे थे, कुछ गायें बैठी हुई थी कुछ चर रही थी और ग्वाले जितने पाली थे वो किसी जांटी के पेड़ के नीचे बैठ के, जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन खा रहे थे। पूर्ण परमात्मा वेद उसकी महिमा बताते हैं, वो ऐसी ही लीला करता है। अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से चले परमात्मा, अपना हल्का तेज पुंज का रूप बना के, और वहाँ एक महात्मा जिंदा महात्मा का रूप बना लिया। जिंदा जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, ऊपर टॉप होता है सिर पे काला टॉप, एक काला ही ओवर कोट होता है घुटनों से नीचे तक गोड्यां तले तक का, और एक कच्छा पहनते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, सिर के बाल भी थोड़े बड़े होते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा बोलते हैं। उस जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा वहां आकर खड़े हो गए, प्रकट हो गए, न्यू आते दिखाई दिए थोड़ी सी दूर से। उसमें आतिथ्य सेवा बहुत होती थी, आदर सत्कार बहुत हुआ करता था, बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाते थे, भी कोई भी रास्ते चलता अतिथि आ जाता है उसका सत्कार करना चाहिए, उनको भोजन आहार अवश्य कराना चाहिए, ये महापुण्य होता है। इस आधार से सभी ग्वालों ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, रोटी खा लो, भोजन पाओ, प्रसाद करो। परमेश्वर ने कहा भी प्रसाद तो मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, वहाँ पाली बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 30-20 वर्ष के,
उन्होंने पूछा आपका गांव कौन सा है। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है, सचखंड। उन्होंने पूछा यहां से कितनी दूर होगा कि 16 संख कोस। उन्होंने सुना कि 16 कोस पर, तो पालियों ने कहा कि महाराज 16 कोस चलकर आए हो, भूख तो लगी होगी, आहार कर लो। परमात्मा बोले नहीं भाई, छक रहा हूं, बता भूख नहीं है, मैं खा के आया। तो उन्होंने कहा कि देखो आप आहार नहीं करोगे, भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम दूध अवश्य पिलाएंगे। अब गायें होती थी 150 गायें, जिसमें 50-60 दूध वाली भी होती थी। परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो। कबीर परमेश्वर जी बोले, सतपुरुष जी बोले, परम अक्षर ब्रह्म के, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब वो अन्य जो पाली थे बड़े समझदार, बड़ी उम्र के, वो कहने लगे महाराज जी फिर आपका दूध पीड़ की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो हमारे साथ, कंवारी बछिया कंवारी गाय दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले भाई देख लो, तुमने दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, उनकी एक बहुत प्रिय बछिया थी, उस प्रिय बछिया को लाए, पकड़ के गले से रस्सा छोटी सी बांध रखी होती है पट्टा है, पकड़ कर लाए और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कहाँ से देगी, छोटे छोटे थन है इसके, जैसे बच्चे बोला करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है उसको साफ करो। तो वहाँ खेतों में क्या होता है, या तो जल भरकर लाते हैं कुओं से वो जल का पात्र, या गांव से लस्सी ले जाते थे, दूध अपने लस्सी ले जाते थे आहार करने के लिए। तो उनमें से एक पात्र साफ कर दिया कति दो मांझ के, और कहा परमात्मा ने कि इसके सतनों के नीचे रख दो, इसकी लेवटी के नीचे रख दो, थनों के नीचे। अब गरीबदास जी ने नू पकड़ दिया अगलो जी, कबीर परमेश्वर जी ने ऊपर थपकी लगा दी, आशीर्वाद दे दिया, बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध की धारा चल पड़ी चारों सतनों से। जब वो पात्र भर गया वो बंद होगी। अब गरीबदास जी लेकर उस 3-4 किलो दूध को और कहने लगे ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी एक करामात है। परमेश्वर ने आधा दूध पिया, आधा कुछ पिया, कुछ बाकी छोड़ दिया और कहा ले बच्चों पालियो तुम दूध पी लो, ये अमृत है। अब जो बड़ी उम्र के थे और गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी कहने लगे कि हम नहीं पीवे, ये तो पाप का दूध है, जादू तंत्र से निकाला है, और फिर तेरी जात का भी रहना, कौन सी जात का है, तो तेरा झूठा थोड़ा पियेंगे। वो तो उठ कर चले गए वहां से। अब रह गए वो दृढ़ भक्त, वो श्रेष्ठ आत्मा। गरीबदास 10 वर्ष के बाल कहने लगे लाओ भगवान आप, लाओ महाराज जी आपका झूठा दूध कब कब मिला हमें, और शेष बच्चा जितना भी दूध पीना था वो पी लिया। अपन आत्माओं कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार भी होते हैं जिसके अंदर ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो। तब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को समझाना चाहा कि बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए गरीबदास, ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया है, भक्ति करनी चाहिए। गरीबदास जी को जैसा ज्ञान था वो बताते हैं जी हम भक्ति करते हैं, ऐसे गांव गवांड में कोई मंदिर की पूजा करने जाते हैं, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, ऐसे है। तब परमात्मा ने पूरी डिटेल बताई कि बेटा ये भगत, ये परमात्मा पूज्य नहीं है,
इन भगवानों की पूजा करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षकों का दर दर घूमया मिला ना निर्गुंडासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी बर्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों ना मर रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया, सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना, चर मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम विनासी। या कबीर साहब ने गरीब दास जी को बताया, कहें कबीर अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब गरीबदास जी की ये बातें, गरीबदास जी की बातें बहुत रास आई, उत्सुकता से सुना, फिर तड़प होगी कि भगवान कोई ऐसा स्थान है जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं। तो परमेश्वर ने कहा बेटा है, कहा कि मुझे वहाँ ले चलो, मुझे दिखा दो भगवान एक बार, मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले भाई विश्वास तो आपने मेरे पर करना चाहिए। फिर भी वो उद्देश्य लेकर आए थे कि एक बार किसी अच्छी आत्मा को मैं अपना परिचय दे दूं, तो जब कलयुग का समय आएगा और भक्ति युग प्रारंभ होगा, उस समय इन महापुरुषों के द्वारा दिए गए ये अमृत वचन ये एक प्रकार की एफिडेविट का काम करेंगे, और फिर मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे आसानी से। और उस समय यदि परमात्मा चाहे सबको दिखा देते, गरीबदास ने छोड़कर पूरी छुड़ानी ने कोई नहीं माना है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हम हजरत मोहम्मद जी को भी वहाँ ले गए थे, सतलोक में ले गए थे, लेकिन इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो। हम मोहम्मद को अमरलोक ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फेर जवाई अंसा राख्या, मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब क्या बात है कि जैसे हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, लेकिन उनको यहाँ 180,000 के लगभग उनके अनुयायी हो गए, जय बोलनीय, और फिर उन्होंने 10-11 शादी कर ली, उसी दौरान उनमें ममता मोह हो गया, तो कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, वापस आ गया, वो दृढ़ भक्त नहीं थे। तो यहाँ बताते हैं कि उन दृढ़ भक्तों को ही आकर मिलते हैं, यदि और सभी को भी वो दिखा देते उस लोक को, वो फिर भी ना टिकते, क्योंकि वो बेटे बेटी गांव की कोठी कार याद आ जाती, तुरंत भाग गए वापस, हम वहीं से ना धक्के खा करते, वहीं रहा करते, वहाँ से ऐसे ही भाग आए हम। तो जब तक ये ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा और साथ में भक्ति का आपके अंदर पूरा डिपॉजिट नहीं होगा धन, तब तक हम वहाँ जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए गरीबदास साहेब जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को बॉडी तो ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसका नाम गरीबदास है, जो अंदर आत्मा जीव आत्मा है उसके नंबर परमात्मा के पास कोड वर्डों में होते हैं। उस आत्मा को लेकर गए, ये 21 ब्रह्मांड दिखाए, ओहो 21 ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया, धर्मराज का लोक दिखाया जो न्यायाधीश यहाँ का न्याय करता है, सबके लेखा जोखा करता है, कर्माधार पर सबको जैसा जन्म स्वर्ग नरक होता है सबको वो प्रदान करता है,
जहाँ जहाँ भी परमेश्वर पहुँचे सभी ने अपनी सीट छोड़ दी, गद्दी छोड़ दी और नतमस्तक हो गए उसके परमेश्वर के सामने। अब इस बात को गरीबदास जी ध्यान से देख रहे हैं कि ये बाबा जी इसका आगे अगर माँ विष्णु महेश भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यो बड़ा साहब है धर्मराज जिसका आगे सब करबद्ध लाइन लगाए खड़े हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा करवा रहे हैं, परमात्मा के जाते उसने भी सीट छोड़ दी धर्मराज ने और करबद्ध हो गया खड़ा, और परमात्मा ने धर्मराज के ऊपर कई डांट मारी और धमकाया उसको, और वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा जैसे आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। इस सारे प्रोसीजर को, सारे प्रोसेस को गरीबदास जी गौर से देख रहे हैं, भाई बाबा जी तो अंडिये पड़ा है। अब फिर ऊपर लेकर गए सचखंड में, जब प्रवेश किया सतलोक में प्रवेश किया, वहाँ क्या देखा कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा गुम्बज है और उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है एक बहुत बड़े सिंहासन पर, और वहाँ उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के पूरी बॉडी का। अब वहाँ एक चंवर रखा था, नीचे से जो वही परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी महाराज को साथ लेकर पहुँचे थे, उन्होंने वो चंवर उठाया, ये सफ़ेद सफ़ेद बालों का उसे घोड़े के ऐसा पूछड़ सा, इसको चंवर बोलते हैं, तो उसको ऐसे करने लगे। कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, अपने ही दूसरे स्वरूप तेजो में शरीर के ऊपर चंवर करने लगे जैसे एक सेवक किया करते हैं। गरीबदास जी ने सोचा भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, और बाबा जी यहाँ का कोई नौकर नाकर है इनका। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन से खड़े हो गए, छोड़ दिया सिंहासन, और उस पर वो जिंदा महात्मा वाले रूप में जो परमात्मा थे विराजमान हो गए, और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा चवर करने लगे उस जिंदा महात्मा के ऊपर एज ए सर्वेंट। तब गरीबदास जी ने सोचा बाबा जी के ऊपर और भगवान चवर कर रहा है, कैसी लीला है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया, समा गया, एक हो गए दोनों मिलकर। अब वो जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गया था परमेश्वर, वही उस असंख्य ब्रह्मांडों के कंट्रोलर के सिंहासन पर, वो कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान हैं। अब गरीबदास जी और चंवर अपने आप होने लग गया, अपने आप घूम रहा है अपनी शक्ति मालिक की पावर से। तब गरीबदास जी ने कहा ओ हो आप तो सचमुच भगवान हो। तब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा बेटा तुम मेरी प्यारी आत्मा हो, और ये सभी ब्रह्मांडों में मेरी आत्माएं हैं, काल के 21 ब्रह्मांडों में ये सभी मेरे ही बच्चे हैं, वहाँ बहुत भयंकर यातनाओं को ये सहन कर रहे हैं, मैं इनको समझाने जाता हूँ ये मुझे पहचान नहीं पाते, इन्होंने काल के कुएं की या भांग पी रखी है, अज्ञान ग्रहण कर रखा है। तब गरीबदास जी ने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वो तो बहुत बेकार लोग हैं वहाँ का, तो कोई किसी पर विश्वास करता नहीं, किसी पर विश्वास करे तो विश्वासघात कर देता है, कभी किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का कुछ टांग टूट गई, किसी का पैर कट गया, हे भगवान वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ देखो सदा बाहर वृक्ष हैं, भगवान मेरा जाने को दिल नहीं करता, मुझे यहीं रख लो। तो परमेश्वर ने कहा बच्चा ऐसे नहीं रखे जा सकते। फिर सारी सृष्टि रचना सुनाई, सब ज्ञान दिया उनको, और कहा बेटा नीचे जाओ अपनी सत भक्ति करो, जो मंत्र मैंने बताए हैं इन मंत्रों को लो,
इनका जाप करो और सब भक्तों को, सब संसार को मेरी महिमा से परिचित करा दो, और तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आपत्ति नहीं आने दूंगा तेरे ऊपर, अब काल का जाल हटा दूंगा, भक्ति करना और वापस जाओ। अब और बेटा वहाँ अन्य भी आपके भाई बहन हैं, उन सबको समझाना। अब गरीबदास जी ने बहुत कुछ आग्रह किया, लेकिन परमात्मा के सामने उसने फिर स्वीकार करना पड़ा, जो आज्ञा प्रभु आपकी। फिर क्या देखा कि उधर से जो अन्य पाली थे, जो दूसरे ग्वाले थे, उस जांडी के पेड़ ने छोड़ गए और वो दूर चले गए थे। तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, पाली लोग क्या करते हैं, अपनी एक टर्न बनाते हैं, एक दो घंटे ये तीन चार पाली पशुओं का जो है ना देख रेख रखेंगे, कहीं किसी की खेती में ना घुस जा, दो घंटे दूसरे करेंगे, दो घंटे फिर तीसरे करेंगे, ऐसे उन्होंने अपना पारी बना रखी थी। तो ऐसे कुछ घंटे के बाद जब गरीबदास जी की पारी आई तो उनकी खोज हुई कि कहाँ है वो। उन्होंने वापस आकर देखा, क्या देखा कि गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु का शरीर ऐसे बैठा है, आंखें खुली हैं। अब उन्होंने आवाज लगाई कि गरीबदास, गरीबू कहा करते, गरीबू गरीबू, गामा में नाम बिगाड़ा करें नो, बोले रहा गरीबू आजा भाई अपने गांव, तेरा तेरी पारी आ गई, तेरी टर्न आ गई, और चल गायों को घेर। वो आवाज लगाता रहा, गरीबदास जी बोले नहीं, निकट आकर कहा ए भगत जी खड़ा हो, ऐसे पकड़कर हिलाया तो वो गिर गए, आंखें खुली हुई हैं, हाथ उथला कर देखा, छेड़ा छाड़ी करी, दिल देखा, सांस देखा, कुछ नहीं। उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो सारे 10-20 पाली इकट्ठे हो गए ग्वाले, उनमें से दो गांव की तरफ दौड़ा दिए कि जाओ गांव में बता दो, इसने एक बाबा जी के जंतर मंतर का दूध पी लिया इसलिए मर गया। छोटे से गांव थे, 40-50 घर का गांव था, तो उसी समय हाहाकार मच गई, क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता देवता कहो या वारिस कहो, और बालक था नहीं, पुत्र नहीं था, और पहले भी कोई बच्चा नहीं था, इस अभाव में और अधिक तड़प बन गई। माता पिता ने, गरीबदास जी के माता पिता ने जब ये सूचना मिली तुरंत ही बेहोश हो गए। बाकी गांव के लोग उधर दौड़ पड़े, जाकर देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसके शव को उठा लाए। शाम के समय अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर ले गए, चिता पे रख दिया और जलाने की तैयारी कर रहे थे, तब परमात्मा ने वो आत्मा, कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की आत्मा को प्रवेश कर दिया। एकदम सारा शरीर कंपन करने लगा, जो बंधन ऊपर बांध देते हैं वह टूट गए, जो अर्थी के ऊपर रस्से बांधते हैं शव के, वो अपने आप खुल गए और गरीबदास जी चिता से उठकर नीचे खड़े हो गए। अब गरीबदास जी को जो ऊपर के दृश्य देखे थे, झांकी देखी थी, वो सब याद आ रहे हैं, और वो परमात्मा की महिमा जो कबीर परमेश्वर जी ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने गरीबदास जी के अंतःकरण में जो तत्व ज्ञान फीड कर दिया था, उस तत्व ज्ञान को बोलने लगे, उस अमर वाणी को बोलना शुरू कर दिया। अब गांव वाले पूछ रहे हैं कौन था वो बाबा जी, तो परमात्मा कहते हैं कि वो वाणियों में जवाब देते हैं, वो वैसे नहीं बता रहे हैं। पर पटन पर लोके है ना अदली सतगुर सारे, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदारे।
अब ये वाणी सुनानी कर शुरू कर दी, गांव वाले मुंह की तरफ देखें वो इसको समझ नहीं सकते, इस अनमोल वचनों को नहीं समझ सके, तो इन वाणियों को बोल रहे हैं। अब गांव वाला ने सोचा कि बाबा जी ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिया दिया, ये लड़का जीवित तो हो गया भगवान की दया से, पर यू मेंटल हो गया, ये पागल हो गया।